हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो दैट यू आर ऑल फाइन एंड स्पेंडिंग अ ग्रेट टाइम. स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास सेवन्थ चैप्टर इंटीजर्स, और जो बुक है वो है एलिमेंट्स. उसकी एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम कर रहे हैं. अनीता क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकेंड एंड देन क्लाइम्स डाउन 2 स्टेयर्स ओवर द नेक्स्ट सेकेंड. अनीता क्या करती है, 5 स्टेयर्स चढ़ती है हर सेकेंड में, और फिर अगले सेकेंड में वो 2 स्टेयर नीचे उतर जाती है. कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस फाइंड हाउ मैनी सेकेंड्स विल अनीता टेक टू बी एट 45th स्टेयर. इसी प्रोसेस को अपना करके आपको बताना है कि कितने सेकंडों के अंदर अनीता 45th स्टेयर पर पहुंच जाएगी. तो चलिए करते हैं, आसान है, तरीके से करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा. लेट्स डू. अनीता क्या कर रही है, 5 स्टेप्स इन 1 सेकेंड. सी क्लाइम्स स्टेयर्स इक्वल टू 5 इन 1 सेकेंड. सी क्लाइम्स के बाद वो उतरेगी, क्लाइम्स डाउन. स्टेयर्स नीचे उतरने के लिए हम इंटीजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, माइनस का, तो -2 हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 5 स्टेयर्स वो ऊपर चढ़ती है, अगले सेकंड में 2 स्टेयर्स नीचे उतरती है. तो टोटल स्टेयर्स सी क्लाइम्स अप, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये 5 स्टेयर्स ऊपर जा रही है, 2 स्टेयर्स नीचे आ रही है, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, 5 और ये -2, यानी कि उसने टोटल ओवरऑल 2 सेकंड के अंदर 3 स्टेयर्स चढ़ी है वो इन 2 सेकंड्स. 2 सेकंडों में वो चढ़ी है कितनी, 3 स्टेयर्स. तो अब हम क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेयर्स और यहाँ पर टाइम. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेयर्स उसने कवर किए 3, कितने टाइम में, 2 सेकंड में, इन सेकंड. और अब हमसे पूछा गया है कि 45 स्टेयर्स वो कितने टाइम में कवर करेगी, तो 3 स्टेयर्स है वो 2 सेकंड में किए हैं, तो 45 जो स्टेयर्स है वो कम में करेगी ज़्यादा में करेगी. 45 स्टेयर्स ज़्यादा टाइम लेगी ना, तो ये बढ़े और ये देखिए 3 स्टेयर से 45 स्टेयर्स हो गया, तो 2 सेकंड से भी तो टाइम बढ़ेगा, कम में कम ज़्यादा में ज़्यादा. तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 3/2 इजल टू 45/x. ठीक है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, या फिर आप इसमें यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी चीज़ लेफ्ट में रखे कौन सी चीज़ राइट में रखे, तो मुझे लगा मैं आपको ये मेथड करवा देता हूँ. तो क्या होगा, नीचे ऊपर क्या मल्टीप्लाई करने पर 45 आया है, तो ये चीज़ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इससे से डिवाइड कर देते हैं. तो 45 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 15. करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 4 3 1, 3 5 जा 15, क्या मिला, 15 ना. तो हम क्या करेंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या मिला हमें, 45/30
इक्वल टू 45 बाय एक्स, तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हुई 30। हैंस रिक्वायर्ड टाइम, यानी कि 45 स्टेप्स कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड्स का टाइम लगेगा। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा, बहुत आसान है, तरीके से कीजिए और ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।